प्रोकैरियोट्स, एक होता है यूकैरियोट्स, एक होता है प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट किस तरह के एनिमल्स को, किस तरह के जानवरों को हम प्रोकैरियोट कहते हैं, या प्रोकैरियोटिक सेल हम कहते हैं, या प्रोकैरियोट्स किस किस्म के जानवरों को हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, प्रोकैरियोटिक एनिमल्स या प्रोकैरियोट्स। वो एनिमल्स जो सिर्फ एक ऐसे सेल पर मुश्तमिल, जैसे कि बैक्टीरिया है और ब्लू ग्रीन अल्चे है, इनको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स के नाम से जानते हैं। और बल्कि यूकैरियोट्स वो दूसरे किस्म के एनिमल्स होते हैं, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बल्कि फर्स्ट वी टॉक अबाउट प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक खुले सादा यानी कि सिंपल जानवरों में पाए जाते हैं, जैसा कि मसलन और ब्लू ग्रीन अल्जी है, बैक्टीरिया वगैरह। इन खुले में क्या होता है, न्यूक्लियस के अतराफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, इसलिए असल न्यूक्लियस नहीं होती, और जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में बिखरा होता है। ऐसे अजसाम जिनके अतराफ जेली पाई जाती है, उन खुले में मौजूद नहीं होते, मसलन माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडीज और लाइसोसोम्स और क्लोरोप्लास्ट वगैरह। इनके क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, इसलिए इनमें क्रोमोसोम मौजूद नहीं होते। इनमें एक खास कस्म यानी कि मेसोसोम होता है, ये एंजाइम पैदा करने और दूसरे का अंजाम देता है। बल्कि यूकैरियोट क्या होता है, यह खुली अलजी फंजाई और प्रोटोजोआ पौधों और जानवरों के जिसमें पाई जाती है। यूकैरियोट और सिंपल प्रोकैरियोट से यूकैरियोट डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोट सादा जानवरों में थे, जैसा कि बैक्टीरिया है और ब्लू ग्रीन अलजी। सिंपल सिर्फ बैक्टीरिया के जो सेल होते हैं, और यानी कि बैक्टीरिया को और दूसरे यानी कि जो इनको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स के बैक्टीरिया को हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, ब्लू ग्रीन अलजी को हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, फंजाई को और प्रोटोजोआ को और पौधों को और एनिमल्स के जिसमें पाए जाते हैं और ऐसे खुलिए, इनको हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल या यूकैरियोट्स।